गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्लास ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के लिए। सो वेव ऑप्टिक्स का मैंने दो लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, लेक्चर वन लेक्चर टू, जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, इंटरफेरेंस का मैंने कंडीशन बताया था कि क्या है इंटरफेरेंस, डिफाइन किया था मैंने, और डिफाइन करके टू वेव को सुपर इम्पोज किए थे हम लोग, रिजल्टेंट वेव निकाले थे, उसका एम्पलीट्यूड निकाले थे, इंटेंसिटी हम लोग पढ़े थे आपका, और पावर सॉरी लास्ट क्लास हम लोग ये कंप्लीट कर लिए थे। इसका सारा स्टेटमेंट, स्टेप, कंडीशन, सुपर इम्पोज करना वेव्स को, ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ये छोटा सा रिजल्ट है, लास्ट क्लास का ही रिजल्ट है। मैं यहाँ रिवीजन के लिए द फर्स्ट पॉइंट यहाँ मैंने लिख दिया है। यहाँ लिखा था टू लाइट सोर्सेस मैंने आपको लास्ट क्लास डिस्कस किया था। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये जो है आपका टू लाइट सोर्सेस, ये है टू, और लाइट सोर्सेस में कोहेरेंट लिखना जरूरी है। हम लोग लास्ट क्लास भी पढ़ रहे थे कोहेरेंट लाइट और सोर्सेस। सो इंटरफेरेंस का हम लोग डिफिनेशन भी लिखे थे, तो ऐसे ड्राइंग करके ही हम लोग बनाए थे इंटरफेरेंस में कि टू कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स वन एंड सोर्स टू कांस्टेंट होना चाहिए। सो टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस, एम्पलीट्यूड डिफरेंट, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो भी सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी तो एक ही चीज़ है। आप जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो इक्वल टू 2πf होता है, तो एक ही चीज़ है। आप अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा। वेव है प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मान लीजिए एक वेव मैंने ये लिया था, दूसरा वेव ये लिए थे हम लोग, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है आपका। सुपर इम्पोज करना है, सुपर इम्पोज का मतलब ऐड करना है। जब ऐड करिएगा तो ऐड करके लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे रिजल्टेंट इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। वहाँ एम्पलीट्यूड, ये ए, ए फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, वो एम्पलीट्यूड आप निकाल लिए थे इस तरह से। एम्पलीट्यूड की जगह रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए तो ये, रिजल्टेंट पावर चाहिए तो ये। सो सब कुछ, ये सारा कुछ हम लोग स्टेटमेंट लिख लिए थे। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कब डिस्ट्रक्टिव बनेगा, और बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन, स्कूल का भी क्वेश्चन आपको आता है यहाँ से। सो स्टार्ट करिए इसके आगे का रिजल्ट, लेक्चर वन लेक्चर टू पहले वो कंप्लीट करिए। इंटरफेरेंस के लिए वो फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर, वो फंडामेंटल रिजल्ट है। ये भी रिजल्ट ही है, ये भी रिजल्ट है लेक्चर, बट इससे पहले आप वन एंड टू कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ एक खूब अच्छे से बताया हुआ है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे दिखेगा, कैसे दोनों वेव को जोड़ते हैं, कैसे आप ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करते हैं, वो सब कैसे आया है वो डिस्कस किए हुए थे हम लोग। नाउ सेकेंड पॉइंट, आपको छोटा सा, आपको यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्कूल टाइप क्वेश्चन ही आता है। सो मैं एक छोटा सा आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। काफ़ी आता है क्वेश्चन एडवांस में भी या मेडिकल में क्वेश्चन। सो मेरे पास एडवांस का क्वेश्चन है। सो टू प्रोग्रेसिव वेव वाई वन इज इक्वल टू 4 sin 2x माइनस सी टी। तो ये वेव लिखा हुआ, एक वेव ये है और y2 एक वेव जो लिखा हुआ, दूसरा वेव जो लिखा हुआ वो है 3 sin 2x माइनस 60 प्लस हो गया यहाँ पे आपका लिखा हुआ माइनस पाई बाई टू। सो ये लिखा हुआ आपका वेव का इक्वेशन लिखा हुआ, और आर सुपर इम्पोज्ड लिखा हुआ, सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज कर रहा है टू वेव्स है, और ए चाहिए, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है बट स्कूल टाइप क्वेश्चन है, रिजल्टेंट वेव। सो वन लाइन क्वेश्चन है, कई लोग एक सेकंड में बना लेते हैं। मेडिकल का भी क्वेश्चन, मेडिकल में भी आता है क्वेश्चन, स्कूल के लिए भी क्वेश्चन है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, आंसर है आपका 5। कितना आसान, छोटा सा। देखिए यहां से यहां तक जो एंगल आया, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं फेज एंगल फाई वन, और यहां से यहां तक जो एंगल आएगा उसको एंगल बोलते हैं फेज एंगल फाई टू। और फेज डिफरेंस कम से कम 50 टाइम पढ़े हुए हैं। एस एच एम, प्रोग्रेसिव वेव, साउंड, इंटरफेरेंस,
सो फेज एंगल है, ये फेज एंगल है, ये फेज एंगल है, और फेज डिफरेंस आप जानते हैं फाई, द फेज डिफरेंस, अगर आपका फेज फेज डिफरेंस लिखना आपको, सो फेज डिफरेंस में हम लोग पढ़ते हैं फाइव वन माइनस फाइव टू, सो फाइव वन माइनस फाइव टू, फेज डिफरेंस में फाइव वन माइनस फाइव टू मैग्नीट्यूड लेना, सॉल्व करिए इसमें, इसको घटा लीजिए, सॉल्व करिएगा तो वो आ रहा है पाई बाई टू, बाकी इक्वेशन है ए वन, ए वन मिल गया फोर, ए टू मिल गया थ्री, स्कूल का क्वेश्चन है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, सुपर इम्पोज कर रहा है, प्रोग्रेसिव वेव है, एडिशन हो रहा है, सो फाइनल रिजल्ट है आपके पास, आपके पास रिजल्ट है, सॉल्व कर लीजिए। सो ये जो आपका लास्ट क्लास आपने रिजल्ट बनाया था उससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको आता है, बट छोटा सा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना आसान सा है। सो आप जानते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हुआ वो अंडर रूट, अंडर रूट ए वन स्क्वायर होता है प्लस ए टू स्क्वायर होता है और प्लस टू है, ए वन हुआ ए टू हुआ और कॉस फाइव, पुट कर दीजिए फाइव, ऐसे दिख रहा था यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, कॉस पाई बाई टू जीरो होगा, सो ऐसे दिख रहा था क्योंकि ये स्कूल टाइप का क्वेश्चन है। सो ए वन स्क्वायर, ए वन स्क्वायर 16 प्लस 9 2 4 3 कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू जीरो हो गया, कॉस पाई बाई टू जीरो कर लीजिएगा और एम्पलीट्यूड जो हो गया अंडर रूट 16 प्लस 9 25, रूट 25 जो हो गया वो है 5, हो गया रिजल्ट। तो ये था आईटी का एडवांस क्वेश्चन, बट सिंपल क्वेश्चन, बहुत छोटा जो स्कूल टाइप का क्वेश्चन है आपका, मेडिकल में भी खूब क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है जो आप रिजल्ट जो आप पढ़े हुए हैं, सुपर इम्पोज करना वेव को, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना, करिए दो तीन क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए, फिर इसका आगे कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए। सो मेडिकल क्वेश्चन, सो सारा क्वेश्चन बैंक में अपने टेबल पे रखता हूँ, आईटी का मेन का एडवांस का। सो यहाँ लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ वेव फोर साइन ओमेगा डी, वाई टू, वाई टू लिखा हुआ थ्री साइन ओमेगा डी प्लस पाई बाई थ्री, थ्री साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री, ये लिखा हुआ कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सो इंटरफेयर, इंटरफेयर एट अ पॉइंट, वही चीज सुपर इम्पोज्ड इंटरफेरेंस करना, यहां लिखा हुआ सिर्फ लिखा हुआ इंटरफेयर एट अ पॉइंट, यही चीज है इंटरफेरेंस, इट्स कॉल्ड सुपर इम्पोज एडिशन ऑफ वेव। सो फाइनली सो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, सो ए चाहिए, ए द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, स्कूल में भी आता है क्वेश्चन रिजल्टिंग वेव, जल्दी करिए एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, आपको क्लियर सा दिख रहा है ए वन का वैल्यू है फोर, ए वन का वैल्यू यहां पे फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, ए टू का वैल्यू है थ्री सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू, मैग्नीट्यूड लेना है, ये साइन के बाद जो भी टर्म आएगा, साइन के बाद जो भी टर्म है वो सारा टर्म कहलाता है फाइव वन, और ये साइन के बाद जो भी टर्म है वो टर्म कहलाता है फाइव टू, सो फेज डिफरेंस मैग्नीट्यूड लेना है फाइव वन माइनस फाइव टू, ये आ गया फाइव बाई थ्री, यही पुट कर लीजिए वहां पर, सब स्कूल का क्वेश्चन, स्कूल में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड चाहिए 16 9 2 9 16 cos पाई बाई थ्री, cos पाई बाई थ्री 1 बाई टू
आपको साइड में लिखना हो आप लिख सकते हैं cos पाई बाई थ्री, cos 60 डिग्री वो होता है 1/2, cos 60 डिग्री 1/2, जैसे 1/2 करिएगा यहाँ पे आपका 1/2, सो 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 12, अप्रोक्सीमेटली 6 लिखा हो, ऑप्शन में लिखा हो 6, 36 होता है ना, 36 होता है तो 6 होता है, बट 1 यूनिट ज्यादा है 6.1, बट आंसर इंटीजर टाइप में 6 लिखा हुआ। तो ये आईडी में भी आता है, मेडिकल में भी आता है, सुपर इम्पोज करना है, इंटरफेयर करना है, एडिशन करना है, कम्बिनेशन करना है और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। सो इस तरह आपको बनाना है। और मैं कोई अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ, आईडी में और क्वेश्चन है जो खूब अच्छा सा क्वेश्चन है आपका। सो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करिए, एक दो क्वेश्चन तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, हाँ बुक है मेरे पास। सो एक क्वेश्चन दिख रहा है कि नाउ टू मोनोक्रोमेटिक वेव और एम्पलीट्यूड इंटरफेयरिंग और फेज डिफरेंस 60 डिग्री, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, सो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट बड़ा सा स्टेटमेंट है, ये भी मेडिकल का ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको। सो एम्पलीट्यूड ए वन एम्पलीट्यूड जो है वो A1 एम्पलीट्यूड है वो लिखा हुआ है टू मोनोक्रोमेटिक वेव ए और ए टू लिखा हुआ टू ए, फेज डिफरेंस जो है वो फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव लिखा हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है फेज डिफरेंस बिटवीन वेव 60 डिग्री, द इंटेंसिटी एट द पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। सो इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऐसे लिखा हुआ आई इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखा हो प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए बी सी डी मैं दे रहा हूं आप तब तक बनाइए। सो इंटेंसिटी एट अ पॉइंट प्रोपोर्शनल टू 3a² 5a² 7a² 3a² 5a² 7a² 9a² बनी मेडिकल क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा हुआ। सो लिखा हुआ कि ये वेव जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, बनी कंप्लीट करिए एक दो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का एक अच्छा क्वेश्चन है। सो बनी इसको कंप्लीट करिए। सो आपने बनाया, आपको मैंने वक्त दिया था कि इसको कंप्लीट करने के लिए, सो आपने बनाया। सो टू वेव है, एम्पलीट्यूड है A1 एंड A2 है आपका, A2 2A है, फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे 60 डिग्री है, सेम कॉन्सेप्ट तो वही हो गया, यहाँ कॉस 60 डिग्री 1/2 पुट कर लीजिए यहाँ पे। सो A1 स्क्वायर ए स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, ए स्क्वायर हो गया आपका और यहाँ पे हो गया आपका 4a² प्लस 2 हुआ और a इंटू 2a और cos 60 डिग्री कर लीजिए, cos 60 डिग्री तो 1/2 हो गया यहाँ पे, सो अंडर रूट, सो यह हुआ 5a² प्लस a 1/2 करिएगा 2a² सो एम्पलीट्यूड हो गया अंडर रूट 7a² और अगर आप स्क्वायर करेंगे सो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 7a² एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, वही तो इंटेंसिटी होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही तो इंटेंसिटी बोलते हैं। आप क्या पढ़ते हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का स्क्वायर, तो आप जानते हैं ये इंटेंसिटी। सो यहाँ पे आप रिप्लेस करिएगा तो इंटेंसिटी जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू द 7a². सो काफ़ी आसान है, ये आपको जानना है कि जब टू वेव्स जो है सुपर इम्पोज करना है, इंटरफेरेंस करना है एक पॉइंट पे, तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन जो लास्ट क्लास आपने डिराइव कर लिया था, सारा फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास कंप्लीट कर लिया था, कुछ प्रैक्टिस करना था और ये सब आया हुआ क्वेश्चन है मेडिकल का, इंजीनियरिंग का।
दो क्वेश्चन और मैं करूंगा, देन उसके बाद मैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए बताता हूँ। आपको ये जानना है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको पढ़ना है। सो फोर हुआ, फाइव एंड सिक्स, थोड़ा बड़ा है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सुपरपोजिशन ऑफ थ्री वेव्स, तो ये भी जानना था कि आपने तो टू वेव्स को सुपर इम्पोज किया था। ये है आपका एसवर मास्टर के बुक का क्वेश्चन है आपका, मेरा तो बेस्ट बुक, क्लास में मैं फिजिक्स में हमेशा कराता हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते हैं, जब रेगुलर क्लासेस रहता है तो हम लोग एक एक क्वेश्चन एसवर मास्टर के बुक का करते हैं, दोनों एलेवेंथ क्लास हो या ट्वेल्थ क्लास हो, एक घंटा एक्स्ट्रा मैं टाइम देता हूँ आपको उस बुक के लिए सिर्फ। सो एनसाइटी और ये फिजिक्स के लिए जो बेस्ट बुक है, क्लास में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इनसे कई क्वेश्चन तो इनमें से डायरेक्ट आपको मिलेगा आईडी एडवांस में, चाहे मेन के कई क्वेश्चन मेन में तो डायरेक्ट डायरेक्ट बुक में जो लैंग्वेज लिखा रहेगा डाटा, वही डाटा मिल जाता है आपको। सो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, इसके बाद देखिएगा सेम कॉन्सेप्ट आईडी एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ सेम कॉन्सेप्ट से। तो अभी तक आप सुपर इम्पोज करना, वेव को ऐड करना, तो आप टू वेव्स को आप ऐड करते थे, इस क्वेश्चन में थ्री वेव्स को ऐड करना, स्टेटमेंट लिखा हुआ थ्री वेव्स सेम इंटेंसिटी सेम एम्पलीट्यूड, ओके, वेव टू इज 120 डिग्री अहेड इन फेज ऑफ वेव वन। अपने से इक्वेशन अपने आप को बनाना है, अपने आप इक्वेशन बनाना है, मतलब वाई वन, अगर वेव वन मैं लिखू वन तो आपको लिखना है ए और साइन ओमेगा टी, ठीक है आपका फर्स्ट वेव अपने से ले लीजिए। वेव टू 120 डिग्री अहेड इन फेज ऑफ वेव वन, वाई टू, y2 जो है वन वन वेव से फेज में 120 डिग्री अहेड है, इससे 120 डिग्री आगे चल रहा। चेक करिए स्टेटमेंट, लैंग्वेज रीड करिए, वेव टू इज 120 डिग्री अहेड, आगे 120 डिग्री आगे है, लीड कर रहा है इन फेज, किस में लीड कर रहा है, फेज में, किस से, ऑफ वेव वन। सो ये लैंग्वेज आप रीड करके खुद इक्वेशन बनाना है कि वेव टू लीड कर रहा है वेव वन से 120 डिग्री फेज से, तो ये देखिए लीड हुआ, बढ़ गया, इससे 120 डिग्री लीड कर रहा है, फिर से देखिए। एंड वेव थ्री वाई थ्री वो लीड कर रहा है, देखिए यहाँ से थर्ड वेव, वेव थ्री 120 डिग्री अहेड इन फेज ऑफ वेव टू से 120 डिग्री अहेड कर रहा है, मतलब आप लिखेंगे इसको तो इससे भी 120 डिग्री और आगे, 240 कर लीजिए, देखिए ये हो गया हम लोग इक्वेशन। सो आप इक्वेशन खुद बनाना है, थ्री वेव्स है, सेम इंटेंसिटी है, सेम एम्पलीट्यूड है, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड सेम रखना आपको तीनों वेव का। और यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वेव टू सेकेंड वेव 120 डिग्री लीड कर रहा है, थर्ड वेव जो है 120 डिग्री अहेड ऑफ द फेज, इससे 120 डिग्री और आगे चल रहा है, लीड कर रहा है, ये वेव हो गया आपका। अब आपको सुपर इम्पोज करना है और इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव चाहिए, सो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। सो वाई, क्योंकि ये सुपर इम्पोज करेगा का मतलब एडिशन है, वाई टू वाई थ्री, ठीक, सॉल्व करना है, रिजल्टेंट वेव बनाना है, उसका एम्पलीट्यूड निकालना है, उसका इंटेंसिटी बनाएंगे हम लोग, स्टार्ट करिए। अब मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा सॉल्व करने सीखे, छोटा सा एकदम रिजल्ट कुछ सीखा कीजिए। देखिए आप जैसे है y3 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, y3 मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, साइन ओमेगा टी प्लस 240 डिग्री, फिर से देखिए ए साइन 180 डिग्री प्लस ओमेगा टी प्लस 60, ऐसा देखिए। अब समझिए, यहाँ पे आप जानते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा, आप समझा कीजिए, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसका मतलब हुआ माइनस साइन थीटा, ये आप जाना कीजिए। इस तरह आपका y3 आप रिप्लेस करेंगे, तो y3 को ये अगर हटाएंगे तो माइनस ए साइन, ये है पाई है,
प्लस थीटा हुआ तो ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ये छोटा सा मैथमेटिक्स, इतना सब आपको जानना। अब आप तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों इक्वेशन जोड़िए, रिजल्टेंट वेव बनाइए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। सो अब आप जोड़ेंगे वाई इज इक्वल टू वाई वन वाई टू प्लस वाई थ्री। जोड़िए वाई वन ए साइन ओमेगा टी, वाई टू प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, यहां पे माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ऐसा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए तो इसको ए साइन ओमेगा टी, इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं इसका, इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने में देखिए मित्र, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन 120 डिग्री। सो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, आप लिख लीजिए माइनस साइन ओमेगा डी कॉस 60 डिग्री, साइन ओमेगा डी कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस ओमेगा टी साइन 60 डिग्री। आसान सा छोटे ही क्वेश्चन है, बस आपको सिखा रहे हैं इसलिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे वहाँ डायरेक्ट ही एक दो लाइन में कंप्लीट हो जाता क्वेश्चन। ऐसा जीरो जीरो दिख रहा है आपका वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फिर से यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 कॉस ओमेगा टी साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस 30 डिग्री हुआ और ये हुआ √3/2 माइनस यहाँ पे रखिएगा साइन ओमेगा टी कॉस 60 डिग्री 1/2 माइनस कॉस ओमेगा डी, यह हुआ √3/2। देखिए सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा, ये पार्ट उससे कट गया, ये और ये इससे कट गया, फाइनली आप सॉल्व करके देख लीजिए वाई इज इक्वल टू 0। सो वेव ही नहीं है यहाँ पे, कोई रिजल्टेंट वेव ही नहीं बना, सब चीज तीनों वेव एक दूसरे से कैंसिल कर गए। सो रिजल्टेंट वेव 0, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0। ये आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थ्री वेव बनाना सिखाना था कि कैसे स्टेटमेंट से वेव बनाइए, कि सेकेंड वेव अहेड कर रहा है उससे, फर्स्ट से 120 डिग्री से, थर्ड वेव फिर से 120 डिग्री से लीड कर रहा है, तो वेव बनाइए, सुपर इम्पोज का मतलब ही होता है एडिशन। सो फाइनली रिजल्टेंट वेव 0 हुआ, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या होगा आपका 0। सो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव 0 ये हो गया। तो था आपका क्वेश्चन आईटी में, इसमें 3 के जगह 4 का वेव का आया हुआ, और इजी, इससे भी आसान है, बट कॉन्सेप्ट तो यही है, सुपर इम्पोज करना, ऐड करना, टू वेव को ऐड करिए, ये 3 वेव का एडिशन था, भले ही आंसर 0 आया बट जानना था आपको एडवांस में 4 वेव का एडिशन पूछता है आपके पेपर में। मैं देता हूँ क्वेश्चन, कंप्लीट करिएगा, आसान है, प्रैक्टिस ही तो करना है, साइंस पढ़ना है तो खूब प्रैक्टिस करिए। सो कंप्लीट करिए इसको, कंप्लीट करिए, आईडी एडवांस का है, 4 वेव्स का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखा हुआ कि 4 हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है, इक्वल इंटेंसिटी, सबका इंटेंसिटी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम है, स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड सेम है, वो ए नॉट के बराबर है, एंड हैव फेज एंगल, यहाँ फेज एंगल लिखा हुआ 0, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 एंड पाई, ये लिखा हुआ आपका। व्हेन दे आर सुपर इम्पोज देन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज द एंड टाइम ऑफ द आई नॉट। स्टार्ट करते हैं, सो सुपर इम्पोजिशन जो है, एडिशन है, 2 वेव भी है, 3 वेव भी है, 4 वेव भी है, सो एकदम आसान है। आप पहले इक्वेशन लिखिए, सारे वेव का इंटेंसिटी बराबर है और फेज एंगल 0, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 एंड पाई है।
सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वेव वाई वन, वाई वन जो है वो है ए और साइन ओमेगा टी, सिंपल ओमेगा टी रहने दीजिए, ओमेगा टी बस सिंपल। फेज एंगल है ना फेज जीरो, फेज जीरो हुआ आपका। सेकेंड वेव वाई टू, सो यहाँ पे लिख लीजिएगा ए और साइन और ओमेगा टी और प्लस पाई बाई थ्री हो गया। थर्ड लिख लीजिए, थर्ड वाई थ्री इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस टू पाई बाई थ्री हो गया। फोर्थ कर लीजिए ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और सुपर इम्पोज करना है। सुपर इम्पोज करने में वाई वाई ऐड करते हैं, वाई वन वाई टू वाई थ्री प्लस वाई फोर। सो चारों ऐड करना, चारों को ऐड करना हम लोग। सो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर, रिजल्टेंट वेव निकालेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे और रिलेट करेंगे उससे। स्टार्ट करिए, तो वेव इक्वेशन भी आपको खुद लिखना है, आसान है, एकदम ईजी तो है आपका। सॉल्व करिए इसको। सो ट्रिगोनोमेट्री सिंपल बेसिक रिजल्ट है, उसमें आप लास्ट का रिजल्ट देखिए तो साइन साइन जैसे वाई वाई फोर देख रहे हैं तो साइन ए और साइन, और लास्ट में है ना आपका पाई प्लस ओमेगा टी। सो ये पाई प्लस ओमेगा टी अगर आप मैथ ज्योमेट्री नाइन्थ क्लास में जानेंगे तो ये हुआ आपका जीरो पाई बाई टू प्लस पाई थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे है टू पाई, ऐसा है इस कोऑर्डिनेट में आएगा। इस कोऑर्डिनेट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये जानते हैं आप लोग मैथ के जो या नाइन्थ क्लास में भी पढ़ना था। सो ये है माइनस ए साइन ओमेगा टी, सो साइन का साइन ही रहेगा, पाई रहता है तो पाई में साइन का साइन रहेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो गया। ये फर्स्ट वाला और फोर्थ तो ऐसे ही कट गया, जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो वाई फोर और वाई वन जो जोड़ेंगे, अगर आपको रिजल्टेंट वेव जोड़ना है तो जोड़ना है तो वाई वन वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर, सिर्फ देखने के लिए फोर वेव है ऐसे, बस इक्वेशन में फोर वेव है। वन एंड फर्स्ट तो कट गया, फर्स्ट सॉरी वन फर्स्ट एंड फोर्थ तो कैंसिल हो गए, आपके पास सिर्फ दो वेव है। अब जोड़ लीजिए, दोनों वेव बना लीजिए, आप जोड़ के देखिए एक कॉमन निकल जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री प्लस साइन ओमेगा टी प्लस थ्री पाई बाई टू पाई बाई थ्री सॉरी टू पाई बाई थ्री, बस यही तो बचा आपके पास। जोड़िए, सॉल्व करिए, अभी तो हम लोग सॉल्व किए थे। सो है एकदम आसान, आपको इक्वेशन बनाना है, फोर वेव रहता है थ्री वेव रहता है, एकदम ईजी है, सिंपल आपको जोड़ना। चलिए जोड़िए, ए साइन ओमेगा टी कॉस कॉस पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई थ्री तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट को आपने सॉल्व किया ऐसे, सेकंड को सॉल्व करिए, सेकंड को सॉल्व करना आप। पाई बाई थ्री वन बाई टू
देखिए ये कैंसिल हो रहा है, सॉल्व करिए। ये रिजल्टेंट वेव, देखिए रिजल्टेंट वेव आगे। सो एम्पलीट्यूड कर लीजिए, इंटेंसिटी बनाते हैं। सो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव जो हुआ यहाँ आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया ए रूट थ्री। सो रिजल्टेंट वेव ये है, फाइनली आप जोड़ लीजिए, ये सिर्फ दो टर्म हुआ, इसको भी जोड़िएगा तो ये आसान से वेव आ रहा है, जोड़ लीजिए ऐड कर लीजिए आपका। सो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव हुआ, स्क्वायर कर लीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे आप। सो ए स्क्वायर इंटू थ्री, यह है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, और ये इंटेंसिटी ऑफ द वन वेव था, आई नॉट था, इंटू थ्री। सो यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव थ्री इंटू आई नॉट। सो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव जो था वो एन आई नॉट एडवांस में लिखा हुआ था। सो यहाँ से रिप्लेस करिएगा, करेंगे आप रिप्लेस जब करते हैं तो एन का वैल्यू थ्री। तो ये था आपका इंटरफेरेंस के लिए सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, वन टू वेव था, टू वेव के लिए खूब सारा क्वेश्चन मेडिकल में भी आता है, स्कूल के लिए भी था। नाउ थ्री वेव ऐड करना था, थ्री की जगह फोर वेव ऐड करना था, सिंपल, जबकि कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल वेव इक्वेशन बनाइए, ऐड करते जाइए, रिजल्टेंट वेव बनाइए, जो पूछता है वो जस्ट सॉल्व कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और एडिक क्वेश्चन, क्योंकि ये टू वेव थ्री वेव फोर वेव का खूब क्वेश्चन है एडवांस में। सो एक और करेंगे आप क्वेश्चन। सो आइडिया एडवांस का क्वेश्चन है ये भी आपका, और थ्री वेव्स का है, स्टेटमेंट है, वेव आपको खुद लिखना है, वेव आपको जो कंडीशन लिखा हो उससे आप लिखिए। सुपर इम्पोज लिखा हुआ है, सो थ्री हार्मोनिक वेव द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, सेम अलोंग द एक्स एक्सिस कर लीजिएगा, सेम एम्पलीट्यूड, तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है आपका, एंड सेम टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब फ्रीक्वेंसी, उल्टा करिए ना, टाइम पीरियड का उल्टा करिएगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और सुपर इम्पोज्ड कंबाइन कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। इफ ईच डिफर इन फेज फ्रॉम द नेक्स्ट बाय 45 डिग्री लिखा हुआ लास्ट में, 45 डिग्री से डिफर करना आपको। सो आपको इक्वेशन खुद बनाना है, और इक्वेशन बना करके सुपर इम्पोज करना है, एंड देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव चाहिए, ऑप्शन में लिखा हुआ था आपको। सो वेव देखिए, अगर फर्स्ट वेव आप बना रहे हैं, फर्स्ट वेव बना लीजिए ए और साइन ओमेगा टी, हो गया। सेकेंड वेव, अगर सेकेंड वेव आप बनाइएगा, सेम एम्पलीट्यूड कर लीजिएगा और साइन यहाँ पे करिएगा ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, हो गया। हर वेव लिखा हुआ, इफ ईच वेव डिफर इन फेज फ्रॉम द नेक्स्ट, नेक्स्ट से 45 डिग्री, तो इसके आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा वाई टू, वाई थ्री, वाई थ्री ए साइन ओमेगा टी और प्लस 90 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों में फेज कितना है 45 डिग्री। सो लिखा हुआ ईच वेव डिफर इन फेज फ्रॉम द नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है इन दोनों में फेज 45 डिग्री का गैप होना चाहिए, इन दोनों में फेज 45 डिग्री का गैप होना चाहिए, ठीक है। आप इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, देखिए आप जानते हैं यहाँ पर, छोटा सा सॉल्व कर लीजिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। सो आप वाई थ्री को आप ये भी बोल सकते हैं, वाई थ्री इज इक्वल टू ए, इसकी जगह कॉस ओमेगा टी भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब जोड़ी फाइनली वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, सुपर इम्पोज करना, कंबाइंड करना, लिखिए तीनों को, ए कॉमन है, ए कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट में साइन ओमेगा टी, सेकेंड में साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, थर्ड में कॉस ओमेगा टी, ओके सॉल्व कर लीजिए, ऐड करिए दोनों तीनों को।
सो आप जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे y y इक्वल टू a हो गया और यहाँ पे हटाइएगा sin ओमेगा t, sin ओमेगा t प्लस 45 डिग्री sin ओमेगा t cos 45 डिग्री प्लस cos ओमेगा t sin 45 डिग्री प्लस ये cos ओमेगा t हो गया। सॉल्व करते रहिए, एकदम छोटा इक्वेशन लगे इसको। सो आप सॉल्व करना सीखे हुए हैं सब, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ सब, ये सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ सब आपके कॉपी में, सब पढ़ा हुआ। सो मैं कॉपी में करा चुका हूँ सब, बट दोबारा करने दिए। ये हो गया रूट टू, वन बाय रूट टू प्लस यहाँ पे है कॉस ओमेगा टी, यहाँ हुआ वन बाय रूट टू प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और छोटा करिए, एकदम छोटा होगा, और छोटा करते रहिए क्योंकि रिजल्टेंट वेव बहुत छोटा करना है। ए यहाँ से कॉमन लीजिए, सब में कॉमन ले लीजिए, सब में कॉमन लीजिए तो वन प्लस वन बाय रूट टू हो गया, वन प्लस वन बाय रूट टू कॉमन लीजिए तो यहाँ हो गया साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अभी और छोटा होगा, और छोटा होगा, वेट करिए, और छोटा आप करिए ना, खुद ही करिए, अपने से बने एकदम छोटा करिए उसको। रिजल्टेंट वेव एक सिंगल वेव के फॉर्म में आपको लाना है, बने आप जानते हैं मेथड कैसे उसको और छोटा करना है। हम लोग क्लास में एक बार नहीं कई बार आप पढ़ चुके हैं वन बाय रूट टू। आपको क्या करना है कि इसमें रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड करना है। आप इसमें रूट टू से मल्टीप्लाई इसको और इधर कर लेता हूं मैं। सो मैं कई बार आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे इसको और छोटा करना है, एक सिंगल फंक्शन में लाना है। तो ए कर लीजिए, वन प्लस वन बाय रूट टू, यहाँ अपने मन से कोफिशिएंट जो है ना उसका वो रूट टू, रूट टू से अपने मन से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। साइन ओमेगा टी वन बाय रूट टू प्लस कॉस ओमेगा टी वन बाय रूट टू होगी। रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड कर लीजिए। अब ये जब रूट टू इधर आएगा ए, सो रूट टू प्लस वन हो गया और ये इसको सॉल्व करिएगा तो ये हुआ साइन ओमेगा टी कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 45 डिग्री। अब ये सिंगल टर्म में आ जाएगा, देखिए ये एक सिंगल टर्म में आ गया साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री एक सिंगल टर्म में आ गया। यही है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन ये होगी। देखिए ये है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट। तो छोटा सा इक्वेशन जो सिंगल फंक्शन मिलाना है, साइन के फॉर्म मिलाना है या कॉस के फॉर्म में, बट सिंगल फंक्शन। ये ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं, कई लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये नहीं, वो डबल फंक्शन नहीं, सिंगल फंक्शन लाना। सो आप मेथड पढ़े हुए हैं, आप साउंड के अंदर पढ़े हुए हैं, एसएचएम के अंदर पढ़े हुए हैं, वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, सब एक ही टॉपिक तो है तीनों, ये पहले कॉपी में पढ़ा हुआ। सो एक जगह कलेक्ट करना था, यहाँ भी पढ़ना था, एक जगह आपको इंटरफेरेंस होता है वेव में भी आता है। और इस तरह ये एक रिजल्टेंट वेव, ये है रिजल्टेंट वेव, सो रिजल्टेंट वेव जो देख रहे हैं उसमें आप निकाल दीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। सॉल्व कर लीजिए। सो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव जो पूछा गया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, सो ऑप्शन में था, आईडी में ऑप्शन में था ए रूट टू प्लस वन, ये है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। हो गया, सो ए रूट टू प्लस वन ये था। इसमें और भी क्वेश्चन था, बोला गया था कि एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट वेव, ऐसे लिखा हुआ था कि ये एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट वेव डिवाइड बाय
एनर्जी ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ एनी वन वेव ये चाहिए था। सो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट वेव डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ द एनी वन वेव, एनी वन कोई भी एक फर्स्ट वेव सेकंड वेव या थर्ड किसी एक वेव का। सो देखिए आप क्या पढ़ते हैं, वेव का एनर्जी SHM में ही ले लीजिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यही पढ़ते हैं, मतलब आपका एनर्जी ऑफ वेव प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, क्योंकि सबका आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी सबका सेम है, रिजल्टेंट वेव का भी एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम है, फर्स्ट का सेकेंड का थर्ड किसी का भी लीजिए सेम आएगा। तो सॉल्व करना एनर्जी क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट वेव सो एम्पलीट्यूड रूट टू प्लस वन इसका स्क्वायर करना है। फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव जो लेना चाहें, हर वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, ये था ए स्क्वायर कर लीजिए, सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे टू प्लस वन प्लस टू रूट टू सो थ्री प्लस टू रूट टू, ये भी था आईडी में क्वेश्चन था। तो ये मेरा सुपर पोजिशन ऑफ द वेव जो थ्योरेटिकल पार्ट लास्ट क्लास हो गया था, उसके कई क्वेश्चन आए हुए बोर्ड एग्जाम के लिए भी, मेडिकल के लिए भी, आईडी के लिए एडवांस और मेन के लिए, और टू वेव के जगह थ्री वेव्स भी है, थ्री के जगह फोर वेव्स भी क्वेश्चन रहता है, सुपर इम्पोज करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ देगा इसी में कि हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए तो इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। सो इंटेंसिटी अगर रिजल्टेंट चाहिए सो इंटेंसिटी ऑफ द वन वेव, और इसको सॉल्व किए तो अभी आपका सॉल्व किया हुआ थ्री प्लस टू रूट टू। तो कुछ भी पेपर में कुछ भी पूछा जाता है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के साथ साथ एनर्जी रेशियो पूछता है पेपर में। तो ये हो गया, अब मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन एंड देन उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो इसका न्यूमेरिकल पार्ट तो हो गया आपका, लास्ट क्लास थ्योरी हो गया था, अभी ये न्यूमेरिकल पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो आप नोट करिएगा और फिर मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।